अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में आप सब दोस्तों को खुश आमदी। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, और जो नए यूज़र हैं वो सब सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आज का व्लॉग, मैं मक्का जा रहा हूँ, मक्का विज़िट करने, तो पूरा व्लॉग मक्का आपको विज़िट करवाएंगे, सो स्टे ट्यून। से ऊपर रास्ता जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त नमाज हो चुकी है असर की और रश काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी हम नमाज असर अदा करते हैं, उसके बाद आगे सारा विज़िट हुआ। दोस्तों अब हम सामने वाले गेट से एंटर होंगे, ठीक है। ये हरम के बाहर का एरिया है, यहाँ पे लोग देखें लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और जमजम भी पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे जमजम भी पीते हैं। ये क्लॉक टावर है जो आप लोग दोस्तों देख रहे थे, यहाँ पे साथ ही अटैच है। सो हरम यहाँ से, ये वाला नई एक्सटेंशन हरम की बनी है, लाइक नई बिल्डिंग्स बनी है ये, और ये जमजम पड़ा हुआ है जनाब। सो जमजम पीते हैं हम। सो ये सामने वॉशरूम है, और ये हरम के सामने बिल्कुल स्ट्रीट है जनाब, खाने पीने की, ठीक है। लोग यहाँ हरम के बाहर बैठ के एंजॉय भी करते हैं, शाम को खाना पीना यहाँ बैठ के खा लेते हैं, लेटे रहते हैं, और यहाँ पे सिम्स वगैरह और बाकी चीज़ें सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये होटल सारे बड़े बड़े बने हुए हैं, ठीक है जनाब। ये मक्का के बिल्कुल गेट के सामने, यहाँ से लोग आते हैं और एंटर होते हैं। तो मैं आपको ये विज़िट भी कराता हूँ सर, स्ट्रीट, उसके बाद हरम भी जाते हैं। थोड़ा सा सामान था, वो सामान होटल में रख के, तो भी बिल्कुल। सो दोस्तों, ये स्ट्रीट है, ये सामने आपके बैक साइड है हरम, एंड ये सारे होटल्स हैं। तो अभी मैं भी होटल जा रहा हूँ, काफ़ी हज की वजह से रश है, आज पहला दिन है उमरा ओपन हुए, तो मुझे पता नहीं था, वरना मैं उमरा हराम बांध गया था घर से। बहरहाल एनी हाउ, आज हम इधर ही हैं मक्का में, पूरा मक्का टूर करेंगे। और ये गली है जनाब, ये इस गली में, इस रोड पे आपको होटल्स, खाने की पीने की चीज़ें सब मिलती हैं। सो असर की नमाज पढ़ के लोग जो है वापस अपने होटल्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, जैसा कि ये जनाब सारे होटल बने हुए हैं, नीचे बाज़ार भी है छोटा मोटा, अभी बाकी भी आपको विज़िट करवाता हूँ। यहाँ से लोग अपनी जनमाज़ वगैरह और काफ़ी चीज़ें जब उम्र से वापस जाते हैं तो बाय करते हैं, यहाँ पर सस्ती मिलती हैं, और कबूतर भी यहाँ पर। तो ये मक्का का सराउंडिंग एरिया सारा, ठीक है जी, सारा बाईवाक, लोग देखने कितनी रश है। हज के बाद काफ़ी चेंज हो गया, लाइक हज रोन के बहाल हो चुकी हैं। सो मेरे बैग पे क्लॉक टावर और ये कबूतर। ये देखें दोस्तों, कबूतर ही कबूतर, माशाल्लाह देखें कितने कबूतर। तो अभी हम इनको उड़ाएंगे। को देखूंगा तो दिन निकल
क्या नाम है, मक्का बाजार। दोस्तों अभी कबूतरी चौक, जो कबूतरी अभी तो इधर पहले रोड था, तो अब रोड ख़त्म हो गया। सो ये सब कबूतर यहाँ पर लोग आके दाना वगैरह डालते हैं ना। सो अब तो काफ़ी तादाद में ये कबूतर जो, तो रोड्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया। टैक्सी अब इधर नहीं आती, अब आपको हरम की बेसमेंट में उतारा जाता है टैक्सी जितनी भी हैं। सो आई एम गोइंग टू हरम नाउ, तवाफ़ करते हैं। यहाँ से नीचे हरम में जाने का रास्ता है। सो अभी हम मताफ़ में एंटर हो चुके हैं जनाब, तवाफ़ करेंगे। और बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आपको पता है अभी हज हाजी इधर ही हैं थोड़े बहुत। रश हज की वजह से काफ़ी ज़्यादा है जनाब, फुल है हरम इस वक्त। और ये मगरब के वक्त, मगरब के बाद का टाइम है। सब बड़ी मुश्किल है तवाफ में, काफ़ी टाइम लगता है। ये रास्ता जनाब सही की तरफ जाता है, यहाँ से आप जब दो नफल पढ़ते हैं मकाम इब्राहिमी पर, तो यहाँ से आप ये मसालिक हवा सफ़ा मरवा की तरफ रास्ता भी जाता है। ठीक है, सो इस वक्त सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं, तवाफ हमने कर लिया। अमेजिंग आफ्टर हज, आज पहला दिन है। ठीक है जी, बाकी लोग गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। अब हम हरम से बाहर निकल रहे हैं मताफ। तो हर जगह पे ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं इंग्लिश उर्दू, ये देखें यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश उर्दू अरबी सब लिखा हुआ है। सो ये जो है ना सफ़ा मरवा का ग्राउंड, और बल्कि लोअर ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से एग्जिट का रास्ता तवाफ और सफ़ा मरवा। ठीक है जी, ये सफ़ा मरवा है इससे ऊपर। तो अब हम एग्जिट लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने तवाफ परफॉर्म किया, ठीक है, तवाफ़ किया है और मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। अब हम खाना वगैरह भी खाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद इशा की नमाज़ के वक्त आएंगे और साथ साथ आपको सारा विज़िट भी करवा देंगे। ज़मज़म हर जगह पे जो है आपको अवेलेबल है, इसी ज़मज़म तो दोस्तों उमरा करके लोग यहाँ से निकलते हैं जब, तो सामने क्लॉक टावर के नीचे जो है बार, क्योंकि इन्होंने कटिंग करवानी होती है, तो क्या कहते हैं गंजा, उमरा का लास्ट स्टेप जो है बाल कटवाना और बाल मंडवाने के लिए ये लोग जाते हैं। बिल्कुल सामने ना, मैं आपको अभी बताता हूँ, क्लॉक टावर की बेसमेंट में हजाम है, और फोर्थ फ्लोर पे, सॉरी बेसमेंट में भी है और फोर्थ फ्लोर पे। तो आप लोग वहाँ से कटिंग करवा के अपना उमरा कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों ये है क्लॉक टावर, इस क्लॉक टावर के नीचे शॉप्स हैं, शॉपिंग, और इस तरफ भी बाज़ार है। ठीक है जनाब, ये क्लॉक टावर जो है ये हरम से जब आप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल सामने इसके निकलेंगे जब, तो हजाम जो है इसी के फोर्थ फ्लोर पे सामने देख रहे हैं आप, एंट्रेंस है बिल्कुल, वो ब्लू बोर्ड आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, और इधर बैक से भी फोर्थ फ्लोर पे आप जाके अपनी कटिंग करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह व्यू देखें रात को, आज क्योंकि वीकेंड भी है इस वजह से रश काफ़ी ज़्यादा है, और हाजी भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सो इस वजह से एटीएम्स मशीन जनाब, कैश डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है जी, बैंक्स, ठीक है, इस तरफ हमारे हरम है, हरम का गेट, और इस तरफ केएफसी फाइन। तो रश बहुत ज़्यादा है, बट लेट अस फाइंड समथिंग गुड
हरम में आए हैं जनाब, मेहमान भी हैं, तो अच्छा खाना ही कोई मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो चीज़ मांगे वो आपको मिल जाती है माशाल्लाह। सो अब जा रहे हैं जनाब बिल्डिंग में, और अलबेग इज़ आवर फेवरेट, तो अलबेग हमें मिल गया, लेकिन रश भी होगी काफ़ी। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट अलबेग, हमें पता चला है कि इस बिल्डिंग में अलबेग है। सो ये फ्लोर, ये बिल्डिंग है जनाब, इसमें अलबेग अवेलेबल है, अ रियल टेस्ट। सो बड़ी खूबसूरत, ये देखें शॉप्स भी बनी हुई हैं, मॉल्स, लिफ्ट्स, ठीक है जी। सो ये फूड कोर्ट एरिया है जनाब, फोर्थ फ्लोर पे जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और वी फाउंड अलबेग, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, यस, सब ब्रांड्स हैं, अरबिक भी हैं। सो वो रहा अलबेग, अलबेग इज़ माई फेवरेट, सो ऑल द टाइम वी ट्राइड अलबेग। So finally we found Albeg, so let us try and I will update you more. Stay tuned, फिर मिलते हैं, खाना खाने। सो Albeg पे रश होती है एवरी टाइम, तो देख लें काफ़ी ट्रैफिक है, आधा घंटा तो कम अज़ कम लग जाएगा हमारा नंबर आते आते। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, इत्सो नदामत साथ लाया हूँ, भिखारी वो जिसके पास न झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिरसो हवस ने मार डाला है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराबा फकर हो इत्सो नदामत साथ लाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। मैं अब हरम में हूँ, इधर बैठा हूँ, रात के काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सुबह नमाज की तहज्जुद के लिए भी आना है और फजर भी पढ़नी है, जुमा भी है। सो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन भी जो आपको दी है अगर उसमें कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक आपको हरम की ज़्यारत के लिए बुलाए और साधन नसीब करे, आमीन। आप लोग उम्र के लिए आए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।